लुटेरा जिस शख्स का हाथ बांध रहा होता है वो अचानक पीछे मुड़कर लुटेरे को दबोचने की कोशिश करता है। अब लुटेरा डिफेंस मोड में आ जाता है और उसके साथ आई महिला भी दुकानदार से भिड़ जाती है, लेकिन पलक झपकते ही बाकी के दुकानदार भी एक्शन में आ जाते हैं और देखते ही देखते दोनों लुटेरों को काबू कर लिया जाता है। लुटेरी महिला के हाथों में थामा गन जस का तस रह जाता है और दुकानदार दोनों को खींच कर ज्वेलरी शॉप से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। तब तक आसपास के दुकानदारों को भी इस लूटपाट की खबर हो जाती है और फिर तो सिर्फ पीड़ित दुकानदार ही नहीं बाजार के दूसरे लोग भी दोनों लुटेरों को काबू करने में कोई वक्त नहीं लगाते। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। दुकानदारों के हाथों दबोचे जाने के साथ ही दोनों लुटेरों की सिक्की पिट्टी गुम हो जाती है और दोनों बेसाख्ता रोने लगते हैं। जब पूछताछ होती है तो दोनों बताते हैं कि वो रिश्ते में पति पत्नी है और उनका टेलरिंग का मामूली काम है, वो कोई बदमाश या पेशेवर लुटेरे भी नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर ये पति पत्नी इस तरह ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की कोशिश क्यों कर रहे थे, ये आइडिया उन्हें कहां से आया। अगर वो पेशेवर लुटेरे नहीं हैं तो काम धंधा छोड़कर उन्हें इस तरह लूटपाट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब दोनों अपनी सफाई देते हैं तो एक वार्गी उनकी कहानी सुनकर वहां मौजूद लोग भी मानो सख्ते में आ जाते हैं। ये दंपति बताता है कि कोरोना काल में उनका काम धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका है। उनके लिए बच्चों की स्कूल फीस और खुद पति के लिए अपनी बीवी की दवाई का खर्चा तक उठाना मुश्किल हो गया है। इसी बीच उन्होंने पिछले दिनों एक साउथ इंडियन फिल्म देखी थी जिसमें कुछ इसी तरह से एक दुकान को लूटने का सीन मौजूद था। ये फिल्म देखने के बाद से ही पति पत्नी को लूटपाट का ख्याल आने लगा और उन्होंने इस प्लान को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि वो क्रिमिनल तो है नहीं तो उनके पास कोई लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी असलहा भी नहीं था। ऐसे में उन्होंने किसी से किराए पर एक टॉय गन लिया। ये गन दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल गन जैसी है और फिर दोनों निकल पड़े लूटपाट के इरादे से। पकड़े जाने से बचने के लिए दोनों ने खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह ढक रखा था, यहाँ तक कि हाथ में भी सर्जिकल ग्लव्स और बाहों पर स्किन टाइट कवर पहन रखे थे। दोनों ने अपने प्लान के मुताबिक लूटपाट की शुरुआत भी बिल्कुल सही तरीके से की, लेकिन पेशेवर क्रिमिनल न होने की वजह से जहां बीच में ही उनकी बॉडी लैंग्वेज ढीली पड़ गई, वहीं उन्हें देखकर दुकानदारों को भी शक हो गया कि शायद दोनों पेशेवर क्रिमिनल नहीं है। और फिर तो जैसे ही दुकानदारों को मौका मिला उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए बाजी पलट दी। पकड़े जाने पर दोनों फूट फूट कर रोने लगे और हाथ जोड़कर माफी भी मांगने लगे, लेकिन तब तक कहानी में पुलिस की एंट्री हो चुकी थी और दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि कानून की निगाह में दोनों ने जुर्म किया है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि ये न तो पेशेवर मुजरिम है और न ही इससे पहले पति पत्नी ने कभी कोई कानून तोड़ा है। कोरोना से जन्मी बेरोजगारी, पत्नी की बीमारी और घर चलाने की लाचारी ने ऐसे हालात बना दिए कि इन्हें मजबूरन ये जुर्म करना पड़ा। उम्मीद है कि पुलिस और कानून अपना फैसला सुनाते वक्त इन बातों को ध्यान में जरूर रखेगी। साउथ इंडियन मूवी को देख पति पत्नी ने लूट का प्लान बनाया और प्लान भी ऐसा जिसके लिए बकायदा उन्होंने बाजार से खरीदारी भी की, एक बड़ा सा छुरा और हथौड़ा खरीदा, जबकि जो गन थी वो अपने दोस्त से उधार ले आए। हालांकि जब ये दोनों पकड़े गए और ज्वेलर्स ने इन्हें पुलिस के सामने सौंप दिया तो ये लोग गिड़गिड़ाने लगे। पुलिस के सामने कुछ ऐसी सच्चाई जो है वो सामने आई जो और भी चौंकाने वाली थी। इन दोनों ने पुलिस में कबूल किया कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इनकी माली हालत बेहद खराब हो गई थी। ये दोनों ही सिलाई और बुनाई का काम करते थे, वैसे में घर को चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने इस एक साउथ इंडियन मूवी को देख ये इस लूट का प्लान तैयार कर दिया। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।